ये भी नहीं सोच रहा है कि ये 24 करोड़ का खेल है और ये हमने जाके वहां परफॉर्म करना है और तालियां समेटनी है। ये तालियां समेटने के लिए भी नहीं, ये वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट खेलेगा ना उसके लिए अभी से सेटिंग बना रहे हैं ये शाहिन शाह कि हमने किस तरह से अपने लड़कों को वर्ल्ड कप के बाद भी खिलाना है। इनके लिए वर्ल्ड कप मैटर नहीं करता, इनके लिए पाकिस्तान में इनका बच्चा खेलना मैटर करता है बस। तो वर्ल्ड कप के बाद कितने लड़के बाहर होंगे? पूरी टीम सारे वो खेल लेंगे, यही शाहिन कप्तान हो जाएगा। शाहीन तो शॉर्ट फॉर्मेट में बना देंगे इसको, शाहीन से वादा किया हुआ है। और बात समझे आप, शाहीन आफरीदी अभी ये भी लोगों को हजम नहीं होगा। हम तो पहले बता रहे थे लास्ट ईयर भी, देखें अब हमारे क्रेडिट पे क्या क्या है वो समझ लें। लास्ट ईयर बोला लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा कि शाहीन वर्ल्ड कप में फारिग हो जाएगा। जिस चैनल पर आप प्रोड्यूसर हैं आपके ही शो में मैंने क्या बताया था, श्रीलंकन प्रीमियर लीग में नसीम वर्ल्ड कप मिस कर जाएगा वरना उसे बिठा दो। हो गया, डेढ़ महीने पहले बताया था मैंने, नसीम वर्ल्ड कप में तो नहीं है ना, बल्ला ना करे। वो क्लिप आपके अपने चैनल पे जिस इदारे में आप हैं वहाँ मौजूद है, ठीक है। अब तीसरी बात ले लो, शाहीन शाह आफरीदी छोटा फॉर्मेट बहुत देर तक खेलेगा। ये वनडे और वनडे और टेस्ट अगर ये 10-12 और खेला टेस्ट मैचेस तो ये वनडे से भी बहुत जल्दी फारिग होगा। अरे इनकी फिटनेस अभी पब्लिक करो पता चल जाएगा कौन फिट है। ये छुपा के खेल रहे हैं भाई, कंप्रोमाइज फिटनेस के ऊपर खेल रहे हैं। सेकंड स्पेल पे 133-134 की स्पीड आ रही है, हाथ पूरा नहीं ऊपर उठ रहा, राउंड आर्म करके बॉल हो रही है। मैच हारे थे शाहीन की वजह से ही हारे थे, शाहीन ने कुछ वजह वजह से नहीं हारते, वजह होती है माइंडसेट यार। बात बताओ ये आप 2021 में चलो शाहीन की बॉलिंग से हार गए, ठीक है ठीक है, उसके बाद जो अब ये एशिया कप हारे दो लगातार मैचेस 2022 में वो भी शाहीन की वजह से हार गए। शाहीन तो था ही नहीं, इंजर्ड था, था ही नहीं, ठीक है। नसीम वो नहीं था, नहीं वहाँ हसनैन था, नसीम था, हसनैन पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं, हसनैन बाबर को खेलने नहीं देते। फिर आप आ जाए वर्ल्ड कप, फिर आप आ जाए वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में भी शाहीन तो इंजर्ड हो गया था, नसीम था, हारिस था, क्यों नहीं जीते आप, ठीक है क्यों नहीं जीते आप, धानी क्यों नहीं है टीम में। फिर उसके बाद आई इंग्लैंड, इंग्लैंड तो आई थी ना, उसने तो मारा था ना, दे धनाधन दे धनाधन। उसमें आप कौन सा बॉलर लाए थे जो इंग्लिश नॉवेल पढ़ता है मोहम्मद अली, आप नॉवेल पढ़ने वाला उठा के लेकर आ गए कि अब कहां है वो इंग्लिश इंग्लिश वाला बॉलर आ गया हमारे पास। अबे यार ड्रामे करते हो तुम लोग, सबको पूरा मौका देते हो। जो पाकिस्तान क्रिकेट में अपना बच्चा खिलाना चाहता है ताकतवर आदमी उसका बच्चा खेल जाता है। अजय देवगन का गया आपका मूसा वो जो बाल यूं करता था, ये भी मैं आपको बता दूं, ये बाबर आजम के लिए मेरे ख्याल में इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं बाबर के लिए भी। अब ये आखिरी घड़ी के ऊपर खड़े हुए, आखिरी घंटा, आखिरी घड़ी पे खड़े हुए, घंटा तो बचता ही रहेगा इनका, घंटा बचता ही रहेगा इनका। हाँ मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब दोबारा कह रहा हूँ, बाबर आजम को अगर अपने आप को बचाना है तो खामोशी से स्टेप डाउन कर जाए वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि नतीजा तो कोई इनके पास है नहीं, ठीक है। नतीजा इनके पास सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पे जाके अपने पालतू लोगों को लगा देंगे पीछे और बोलेंगे देखो ये आदमी मुझे तंग कर रहा है, ये मुझसे सवाल कर रहा है। इसके सवाल की हैसियत छीन लो, याद है शाहिद खान आफरीदी के साथ क्या कहता है उन्होंने, शाहिद आफरीदी को ट्रोल करा दिया, अभी भी इसने शाहीन को पहले ट्रोल करवाया, शाहीन को ट्रोल करवाया, फिर आके शाहिद खान आफरीदी से पांव पकड़ के कराची में अकेले पहुंच गए। ये सब खत्म होने वाला है, इतना आसान नहीं है अभी। देखिए अब ये खेलेंगे तो जरूर, मैं ये नहीं कह रहा इनकी क्रिकेट एंड हो जाएगी, अबे ये खेलेंगे, ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड एक तमाशा है ना, पर्चा निकाल के दिखाएंगे मेरे रन से। असल टारगेट इनका ये था कि वर्ल्ड कप के बाद हमारे लड़के कहां जाएंगे, अगर नताइज तो इनको पता है सिफर है। ये 15 दिन से पाकिस्तान क्रिकेट में जो जंग हुई है ना पीछे फैजान, ये जंग इसलिए नहीं हुई है कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड सिलेक्ट हो रहा है, जंग इसलिए हुई है कि कुछ ऐसा करो कौन जाएगा, बाद में हम में से कोई अपना ड्रॉप ना हो, ऐसी सेटिंग बिठाओ, ऐसी सेटिंग में ना।